सन विक्रम, मेरा सवाल। किसी नगर में दो लकड़हारे श्यामू और वासु रहा करते थे। वे हमेशा जंगल से लकड़ियां काट कर दूसरे नगर बेचने का काम किया करते थे। एक दिन वासु की कुल्हाड़ी जंगल में गुम हो जाती है। वह जंगल में अंधेरा होने तक ढूंढता रहता है। जब श्यामू को पता चलता है कि वासु की कुल्हाड़ी गुम हो गई है और दिन भर वह कुल्हाड़ी ढूंढता रहा, तो श्यामू ने कहा, मेरे पास एक और कुल्हाड़ी है, जब तुम अपनी कुल्हाड़ी खरीद लोगे तब मेरी कुल्हाड़ी मुझे वापस कर देना। अगले दिन से वासु श्यामू की कुल्हाड़ी लेकर जंगल से लकड़ियां काट कर नगर में बेचने लगा। कुछ दिनों के बाद श्यामू की कुल्हाड़ी की धार कम होने की वजह से लकड़ियां बड़ी मेहनत से कट रही होती हैं, जिसके कारण श्यामू वासु से कुल्हाड़ी मांगता है। मैं कल ही नगर जाकर दूसरी कुल्हाड़ी खरीद के ले आऊंगा, फिर मैं तुम्हारी ये कुल्हाड़ी वापस भी कर दूंगा। ठीक है। अगले दिन से वासु ना ही जंगल में मिलता, ना ही उस नगर के बाजार में। वासु कब लकड़ियां काट कर नगर में बेचकर आ जाता, श्यामू को पता ही नहीं चलता। बहुत परेशान होकर श्यामू गिरधारी जी के पास जाता है। गिरधारी जी एक समझदार और बहुत अच्छे व्यापारी थे। श्यामू गिरधारी जी को सारी घटना बताता है। गिरधारी जी कहते हैं, चलो हम उसके घर पर ही चलते हैं, आज जो भी हो जाए तुम्हारी कुल्हाड़ी लेकर ही आएंगे। जब वे दोनों वासु के घर जाते हैं, वहां वासु और उसका पुत्र मिलते हैं। तब श्यामू वासु को चिल्लाने ही वाला होता है, लेकिन गिरधारी श्यामू को रोकते हुए अपने साथ ले जाता है। तो बता विक्रम, गिरधारी ने श्यामू को क्यों रोका, जबकि उसी के कहने पर श्यामू वासु के घर आया था? तो सुन बेताल, भले ही वासु गलत था, यह बात गिरधारी और श्यामू जानते थे, लेकिन जो भी वाद विवाद, समस्या, दुख जैसी बातें होती हैं, वे बातें बच्चों के सामने नहीं करनी चाहिए। वहां वासु का पुत्र भी खड़ा था, जिस पर इस विवाद का उस बच्चे पर बुरा असर पड़ता। गिरधारी जी समझदार थे, इसलिए गिरधारी ने श्यामू को रोका। सही जवाब विक्रम, लेकिन तू बोला मैं चला,